अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अभी बज रहे हैं रात के 2 और मेरा बच्चा सोने का नाम नहीं ले रहा और हमें भूख लग गई थी। इसके साथ घुल घुल के स्ट्रॉबेरी का शेक बना लिया अपने वकास के लिए। सिर्फ मैं, वकास और ये जाग रहा है वहां पर। स्ट्रॉबेरी वहां जाके क्या करना है पहले बताओ। वहां जाके स्ट्रॉबेरी गिरानी है। ओह डोंट डू दिस बलाज। मैं तो जा रही हूँ किचन से। चले आए यार वकास को जाके देख आते हैं। मिल्क शेक, मिल्क शेक। आओ मामा की गोदी में। ओके भाई, तो बलाज आ गया है। बलाज गिर जाओगे, पकड़ के रखो मामा को। वापस जाओ। ये क्या किया बलाज, वापस जाओ। अब सही से पकड़ो, पहले सही से पकड़ो मामा। अच्छे चले, फिर हाथ छोड़ रहे हो, गिर जाओगे आप। है बंदर। चलो पापा, पापा को गिर जाओगे बलाज। सही से मैंने गिलास पकड़ा हुआ। मैं आपको पकड़ूंगी। ये बंदर, बंदर आए, जल्दी पकड़ो। बंदर था ये हमारा, बंदर। और ये वाला बंदर एज यूजुअल रजाई के ऊपर। इसको मैंने 5-6 दफा कोशिश की है, ये रजाई इसके ऊपर करा दूं या रजाई इसके नीचे करा दूं। सही बना है। चीनी तेज तो नहीं हुई किचन जाना है, बिल्कुल टाइम तो देखने दो। अच्छा एक हुआ है, मैं समझी 2 हो गए हैं। मैंने बोला 2 बज गए फिर। अरे यार बलात बहुत तंग करते हो। ये देखें 1 बज रहा है। या, अच्छा यहाँ से देखो, यहाँ से भी 1 बज रहा है कि यहाँ से 2 बज रहे हैं। यहाँ से भी 1 बज रहा है। बच्चे सो गए माशाल्लाह अपने कमरे में। और मैंने ना इस स्टोरेज के ऊपर ना, एक मिनट बात सुने दो। मैं रात को ना इस स्टोरेज बॉक्स के ऊपर कपड़ा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने डांस करना होता है, फिर स्टोरेज गंदा हो जाता है। और ला कर दूँ? चलो मैंने पीना, बच्चा देखें अपना। मैं पीऊँगी स्ट्रॉबेरी का शेक। और मुझे काफ़ी लड़कियाँ कमेंट कर रही थी रमज़ान में, एक्चुअली मैं बनाती थी ना स्ट्रॉबेरी शेक रेगुलर, तो मुझे बोल रही थी आप ही स्ट्रॉबेरी का शेक नहीं पीते, फ्रंट कैम से वीडियो शायद उल्टे हाथ से आया, रिवर्स करना भूल गई मैं। हाँ यम्मी बना, सही कह रहे थे, वो कास बहुत फिट बना है। हालांकि ठंडा नहीं है, जो ताज़ा दूध होता है उबला हो। यम्मी बना है ना बलाज, फिटर में डाल दूँ। बलाज को मैंने यहाँ बिठा दिया है, यहाँ बैठ के पियो, है ना बलाज, मजे का है। दोनों हाथ से पकड़ के पियो आराम आराम से, ठीक है। तो जो दूसरी मशीन लेकर आई हूँ, वो मैं इनका पुराना मॉडल लेकर आई हूँ, क्योंकि नए वाला मॉडल जो था वो मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। पुराना वाला मॉडल मैंने सुना है बहुत अच्छा, और इवन इसकी बॉडी भी उससे अच्छी है। जो नए वाला है ना, उस पर से हाथ भी फेरो तो उसकी प्लास्टिक उतर रही थी जगह जगह से, काले काले निशान लग रहे थे प्लास्टिक पे। तो ये जिसका पुराना मॉडल है, आपको भी इसकी बॉडी देख के लग रहा होगा कि ये ज़्यादा अच्छा है। और ये 5 kg वाला है, ठीक है, ये आया है 8,500 का। तो चले मैंने इसको साफ कर लिया है कपड़े से अच्छे से, अब हम इसको जो है वो यूज़ करके देखते हैं कि वर्क करी कि नहीं करी। मैं अभी इसमें आटा डालती हूँ। वकास पकड़ेंगे मोबाइल या भून जाए। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह प्लीज मेरे से मेरे प्रोडक्ट चक्कर नहीं लगते बार बार, प्लीज आज मेरा आटा भून जाए। नहीं नहीं रुक दे, तुम डालो। नहीं यार बस डर ही लगता रहता है। नहीं डरने क्या बात। अरे नमक डालना है आटे में, नमक के बराबर इसको बोलते हैं। पानी ले लो। ढक्कन बंद ही नहीं करती, ढक्कन बंद किए बगैर ही गूंद लेती हूँ। अच्छा तुम भी एक ट्राई करो। चलें पहले देखो ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्लीज अल्लाह ताला। पहले ये रेगुलेटर ऑन नहीं कराना, डर लग रहा है पता है। हाँ इसकी स्पीड अच्छी लग रही है ना काफ़ी। रेडी रेडी स्टार्ट। जैसे मुझे लड़कियों ने कहा था ना कि आप स्पीड में पानी डालना, मैं वैसे ही डाल रही हूँ अब। नहीं इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है वकास, माशाल्लाह रब्बुत अल्ला बिल्ला, मतलब इसमें आटा गूंद गूंद जाएगा। हाँ पता चल रहा है ना, ये देखे ना, वो मशीन का मसला था कुछ, क्योंकि मैंने अब्दुल्ला वालों का बहुत नाम सुना और मेरे कमेंट में इतने लोग बोल रहे थे ना कि पता नहीं आपकी क्यों नहीं चल रही, हमारी तो बहुत अच्छी है, इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं। कोई कह रहा था हम 10 सालों से यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद देखें आप आटा गूंद रहा। और यार इस मशीन की स्पीड भी बहुत अच्छी थी, आपको स्पीड देख के भी नज़र आ रहा होगा, इसके साउंड से भी आपको आइडिया होगा। और आटा बहुत अच्छा बन गया था, बहुत ज़्यादा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज आटा बहुत अच्छा गूंद गया है। और अभी हम इसकी रोटियाँ बनाते हैं, ठीक है। अब मैं ना
आज मैंने नेल्स भी काटने, मैंने ना वो नेल वाला सीरम लगाया था आप लोगों के लिए, किसी ने बहुत ज़्यादा रिव्यू मांगा था उसका कि आप ये सीरम यूज़ करके दिखा दें कि इस सीरम के रिजल्ट हैं कि नहीं है, तो कितने लंबे नेल हो गए मेरे, आज काटूंगी मैं इनको। मैंने कभी लंबे नेल रखे, वकास को उलझन होती है, वकास रोटी नहीं खाते अगर लंबे नाखून हो तो। मशीन है ना अब्दुल्ला वालों की, ये रिकमेंडेड है, ये किसी ने ले नहीं तो बेशक ले लें, क्योंकि इसकी मशीन के चलने से पता चल जाता है कि हैवी मोटर लगी हुई है इसके अंदर। तो चलें अभी इसको मैं अंदर से साफ करूंगी, हल्का सा आटा लग गया इसके अंदर, और मुझे अभी गाइड भी कर देना और ज़्यादा अच्छे से कि कहाँ पे कमी बेशी कर रही हूँ मैं। पिछली वाली मशीन की मोटर का मसला, क्योंकि उन्होंने ना हमारे सामने अब्दुल्ला वालों को कॉल की थी कि ये कंप्लेन आई है इसकी मशीन बार बार ख़राब हो रही है, तो उन्होंने बोला आप इनको रिप्लेस कर दो। सबसे अच्छी बात ना ब्रांड की तब होती है जब वो कंप्लेन सुनता है और उसको रिप्लेस भी कर देता है। अब ना उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, कोई अपने मेरे पैसे लगे थे, मेरे चक्कर भी लगे थे बार बार, फिर भी भाई जो बात सही है वही करनी चाहिए। कोई भी ब्रांड है ना, बेशक जिनकी मैंने वीडियोज़ की हों, अगर वो ब्रांड कंप्लेन ना सुन रहा हो आपकी और आपको जो है वो चीज़ रिप्लेस करके ना दे रहा हो ना, फिर उस ब्रांड से शिकायत करनी बनती है। पर ब्रांड ने कंप्लेन भी सुनी, चीज़ भी रिप्लेस करके दी, और इस वाली चीज़ मतलब वो मैंने 7,500 की ली थी ना, तो इसके ऊपर मैंने 800 रुपये और दिए उनको, और ये वाली मशीन ले आए हम लोग, ठीक है, कंसेशन करके दिए उन्होंने हमें कि आपने इतने चक्कर लगाए तो इसलिए। वैसे ये पता नहीं 8,500 की है, तो 7,500 पे 800 रुपये और कितने की बनती है, 8,300 की शायद, हाँ, तो इतने पैसे हमने उनको दिए हैं, ठीक है। तो चले अब रोटी बनाते हैं इससे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। अभी जो है मैंने वकास साहब जाना था ज़रूरी पेपर साइन करने, कुछ भी नहीं लगाया मैंने फेस पे, देखें सिर्फ लिपस्टिक लगा के निकली हूँ मैं घर से, आईब्रोज फिल की थी मैंने। करूँ स्टार्ट? करूँ गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हालांकि जब वकास ने काम करवाया था ना तो मैकेनिक बोला था सारा कुछ इसका ओके करके दे, हालांकि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर भी हमारी गाड़ी चलती रही है माशाल्लाह से, क्योंकि वकास हमेशा टायर भी ओके रखते हैं ताकि हम रास्ते में डिस्टर्ब ना हो। कहाँ कहाँ गए कश्मीर वगैरह, जैसे हम कहीं नहीं, पता नहीं क्या करके दिया है गाड़ी को, रोज़ सुबह मुझे धक्का लगाना पड़ता है। वाला बच्चा जो है ना ये इतना तंग करता है ना, एक तो साथ आ जाता है ऑफिस इसके काम से, उसके बाद हाथ नहीं पकड़ता ये हमारा। अच्छा तो घर पर जो है वो बच्चों के पास है शुमाइला, तो बस अभी हम यहाँ से फिर हो के हमारा आधे घंटे से भी कम का काम है। वकास बलाज किचन में जा रहे हो वाली, क्या कह रहे हो भाई। तो अब आज को मैंने जो है वो साफ सुथरा करके कपड़े पहना दिए हैं, ये वाला ड्रेस जो था मैंने इसके लिए मंगवाया था, जो मैं कह रही थी ना छोटे बेबी का, लड़की मुझे पूछ रही आप ही आप प्रेग्नेंट हैं जो आप कह रही हैं छोटे बेबी का, हमारे घर का छोटा बेबी ये है, ये है हमारा छोटा बेबी। आज हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। अच्छा अब आज की, अच्छा भाई दूसरी चीज़ ये है कि कवर मैंने सी लिए थे, ये देखें ये वाले। अच्छा हुआ ये कि ना मैंने कवर ऐसे सिए कि ऊपर सिलाई नहीं आई, इसके साइडों पर सिलाई आई है सिर्फ, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कवर का कपड़ा इतना ही बचा था सोफे की पोशिंग में कि मेरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 कवर बने, 7वां 8वां कवर मेरा नहीं बना। तो अब अल्लाह करे मुझे कपड़ा मिल जाए सेम, क्योंकि ये तो सोफे वाले लाए थे कपड़ा, मैंने कलर सेलेक्ट किया था कि मुझे ये वाला ग्रीन कलर चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ना इसे कुशन भी ऐसे रेडी किया हुआ है कि एक मैंने कुशन प्लेन रखे हुए, एक कुशन है इस तरह के, और सेम ऐसे ही एक कुशन ये वाले और एक कुशन ये वाले प्लेन है, मतलब जब पीछे प्लेन लगाना है तो आगे ये वाले लगाने हैं, अगर पीछे इस तरह का स्टाइल लगाना है तो आगे प्लेन वाले लगाने हैं। तो मेरे पास दो दो कुशन ग्रीन कलर के इसके हैं, ठीक है। तो ये देख लें जी, अब मैं कपड़ा लेकर आऊँगी और इसका भी सी लूँगी, मैंने हाथ से सिलाई की थी आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये वाला कुशन जो है पलटा हुआ है, इसका भी ये वाला हिस्सा इस तरफ आएगा, तो मैं इसको सीधा करती हूँ। अब आज बिस्किट खा रहा था, अब आज की मस्तियाँ चेक करें, मस्तियाँ चेक करें हम आज की मस्तियाँ। इधर इतना प्यारा हुआ है ना, बादल आ रहे हैं देखें, वाओ। फिर मैं खिड़की खोल के दिखाती हूँ आपको, वो देखें सही काली घटा आ रही है ना बल, आज काली घटा आ रही है ना। अच्छा भाई तो सबके सब जो है ना मेरे से चिल्टन प्योर के ये वाले नेल्स एंड क्यूटिकल ऑयल का रिव्यू मांग रहे थे, तो मैंने इसको अपने हाथों पे यूज़ किया और एक हफ्ते में आप इसका रिजल्ट देखें, मेरे नेल्स आप लोगों ने कभी लंबे नहीं देखे होंगे क्योंकि मेरे नेल्स बढ़ते ही नहीं हैं। फिर भी तो मैं क्योंकि बर्तन शर्तन धोती हूँ, कपड़े शपड़े धोती हूँ हाथ वगैरह से, तो सफाई वाली तो मैंने मासी लगाई हुई है और वो सुबह नाश्ते के बर्तन तो धो जाती है, लेकिन बाद के बर्तन जो है मैंने खुद ही धोने होते हैं, और उसके अलावा कपड़े हाथ से धोती हूँ मैं, बच्चों के पैंपर वगैरह बहुत 70 काम होते हैं, तो सारे नेल्स जो है ना मेरे टूट जाते हैं, इससे मेरे इतने मजबूत नेल्स निकले ना कि टूटे भी नहीं। अभी तो सिर्फ मुझे एक हफ्ता हुआ है इसको इस्तेमाल करते हुए, तो सबने मेरे से रिव्यू मांगा था, काफी लोग बोल रहे थे कि वो लंबे नाखून रखना चाह रहे हैं तो कौन सा ही था, कि मेरा टूट भी गया है, ये देखें निकल रहा होगा गिर के, अभी अभी मेरे से टूट गया है, लेकिन ये बहुत ही
अच्छा भाई तो सीरम लगा के आपने अंगूठे से इस तरीके से इस वाली जगह का मसाज करना है, ठीक है। जब आप इसको मसाज करोगे ना, यहाँ से आपको लगेगा जगह जो है ना वो वार्म अप होने लग जाएगी, गरम गरम सी होने लग जाएगी, और आपको खुद भी फील होगा कि हाँ जगह जो है वो वार्म अप हो रही है। इस तरीके से आपने सारी फिंगर्स पे करना है, ठीक है। सीरम बहुत अच्छा है, ब्राउन बोतल में, आपका ख़राब भी नहीं होगा सीरम। और मेरे नाखून तो बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि मेरे नाखून की जो ये वाली उंगली है और ये वाली उंगली, इसमें करंट लगा हुआ है तो ये जली हुई है अंदर से, तो इसके नेल ऐसे बढ़ते हैं। लेकिन इसके भी नेल्स बढ़े हैं, और मैंने डस्टिंग भी की है, सफाई भी की है, और सारे शीशे, फर्नीचर, सोफे, हर चीज़ साफ़ की, मेरे नेल्स नहीं टूटे। आप लोगों ने रिव्यू मांगा था तो मैंने आप लोगों के लिए जो है वो इसका रिव्यू शेयर कर दिया है, आप लोग देख लें। और मेरी तरह से रिकमेंडेड है, और मैंने रिकमेंड किया तो आप लोग आँख बंद करके इसको बाय कर सकते हो। आप लोगों ने मेरे साथ सीरम की तस्वीर शेयर की थी और कहा था इसका रिव्यू कर दें कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा। सीरम बहुत अच्छा है, नेल्स को बढ़ाता भी और मजबूत भी रखता है, और सही वाइट नेल्स जो है ना वो आपके ग्रो करता है ये। मैं अभी छत पर आई हुई हूँ क्योंकि बादल आपको नजर आ रहे हैं पीछे, तबाही वाले आए हुए बादल। कपड़े धो के सुखाए हुए थे मैंने, तो वो मैंने उतारने हैं कपड़े से पहले गीले हो जाएं बारिश से। तो मेरा व्लॉग जो है वो मैं आज का यहीं एंड कर रही हूँ, साथ आपको वेदर चेक कराती हूँ। वाह क्या नज़ारे हैं, अभी वाले कपड़े रह गए हैं, ये भी उठा के साइड पर रखूँगी ताकि गीले ना हो जाएं बारिश से। अच्छा भाई तो ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी जो चिल्तन प्योर का नेल वाला सीरम है उसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ अपना कोड भी डाल दूंगी, सस्ता भी और अच्छा भी, और आपका कम से कम 8-9 महीने चल जाएगा आराम से। जिन लोगों को लंबे नाखून रखने का शौक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है भाई लंबे नाखून रखने का शौक, मुझे अच्छे भी लगता है जिसके नाखून लंबे होना, घिन आती है मुझे। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, कॉमेंट करके जरूर देना वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर करना। अच्छा अगर सच्चा प्यार करते हो वैसे तो लाइक करोगे और सरप्राइब कर दो मुझे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।